नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम शिक्षक समाचार, यानी शिक्षा समाचार एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की, बिहार में नियोजित शिक्षकों की हाल, प्रधान शिक्षक की हाल और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की क्या है खबर। तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते हैं। छात्राओं के लिए क्या है खबर, युवाओं की नौकरी के लेकर क्या आ रही है बहाली, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। सबसे पहले और बड़ी खबर बता दें कि प्रधान शिक्षक बहाली को लेकर ली गई परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया गया है और उसके बाद जल्द ही रिजल्ट आने की बातें की जा रही है और 15 अगस्त तक ज्वाइन कराने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग कर दी जाएगी। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों की बड़ी राहत बड़ी खबर है। 11 जुलाई को शिक्षा विभाग के द्वारा बनाई गई कमेटी की खास बैठक होने जा रही है। उस बैठक में खास बातों को रखा जाएगा। माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को स्कूल पोस्टिंग में बड़ी राहत मिलने जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि नियोजित शिक्षकों की विद्यालय की पोस्टिंग उनके घर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर की जा सकती है। और सबसे बड़ा लाभ जो आपको मैंने पहले ही बता चुका था कि बड़ी ही खुशखबरी मिलने जा रही है, तो उसकी संकेत अब मिलना शुरू हो गया है कि नियोजित शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, राज्यकर्मी बनेंगे, उन्हें सेवा निरंतरता की लाभ मिलेगी। और एक और बड़ी राहत है कि अगर पति पत्नी दोनों अगर नियोजित शिक्षक हैं और राज्यकर्मी बनेंगे तो दोनों को एक ही विद्यालय में पोस्टिंग उनके मन के अनुसार किया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, पति पत्नी को एक ही स्कूल में पोस्टिंग किया जा सकता है और जिनका स्वास्थ्य के संबंधी कोई शिकायत है, उन्हें आवेदन दिया है, तो उनके प्रति विभाग सहानुभूति रखेगी और उन्हें घर के नजदीक ही पोस्टिंग करेगी। प्रोन्नति का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा जिनका कार्य सेवा काल 8 से 12 साल हो गया है, उनको सेवा निरंतरता का लाभ भी मिलेगा, प्रोन्नति भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुकंपा के भी लाभ विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी के बाद मिलेगा। तो यह बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, जिसके लिए लगातार शिक्षक आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन मुहर कमेटी की लगेगी, इसे सत्य माना जाएगा। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये तमाम खबरें हैं और बहुत कुछ है। बीते दिन जो है बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पति पत्नी और स्वास्थ्य जिनका खराब रहता है उनके प्रति विभाग सहानुभूति रखेगी और नियोजित शिक्षकों को परेशान नहीं किया जाए, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जानकारी दी है, शिक्षकों तक संदेश पहुंचाने का काम किया है। तो लगातार शिक्षकों के लिए अब राहत भरी खबर है। वहीं बड़ी खबर आ रही है निकल के कि वरीयता को दरकिनार कर हेडमास्टर ने परिचारिका को सौंपी सारी जिम्मेवारी। मनमानी प्लस टू हाई स्कूल कुकरा मानपुर का है मामला। विद्यालय कर्मियों के बीच भारी है आक्रोश, जिस पर जांच पड़ताल चल रही है। वहीं हम आपको बता दें अगली बड़ी खबर के रूप में कि अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार शिक्षा विभाग की ओर से कि बिहार के शिक्षा विभाग में जल्द ही नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी जाएगी और यह पोस्टिंग जो है बिना किसी भी भेदभाव किए होगी और यह ख्याल रखा जाएगा कि नियोजित शिक्षकों को 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी पोस्टिंग की जाए और बहुत जल्दी सक्षमता 2 की परीक्षा होगी और उसके बाद उनका तबादला किया जाएगा। अगली खबर, नियुक्त बीएड शिक्षकों को राहत देने के लिए इंटरवेनर बनने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। बीएड योग्यताधारी के आधार पर 6ठे चरण और उसके बाद नियुक्त शिक्षकों की जानकारी डीईओ से तलब किया गया है। वहीं बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का मांगा गया है रिपोर्ट मुजफ्फरपुर में और यह चर्चा का विषय भी बन गया कि 24 घंटा के अंदर में दे सशर्त नियुक्त बीएड शिक्षकों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार पहुंच गई है। तो शिक्षकों को यह राहत मिलेगी
वहीं आपको बता दें कि TR3 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। 2 लाख से अधिक शिक्षकों ने, अभ्यर्थियों ने इसे डाउनलोड भी किया है। तो आपको अगली खबर के रूप में हम आपको बता दें कि निपुण बिहार योजना से बच्चों में बुनियादी कौशल विकसित होगा। सत्र 2026-27 तक स्कूलों में सभी बच्चों को दक्ष बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं हम आपको बता दें कि ऑनलाइन हाजिरी में शिक्षकों को 6 प्रमुख अड़ंगे हैं। आपको बता दें यह बिहार की नहीं बल्कि आगरा से यह खबर निकल कर आई है। अब बड़ी जीत हुई है सरकार को, वहां जो है ऑनलाइन हाजिरी बनाने का जो आदेश था उसे वापस लेना पड़ा है। अब MDM लाभान्वित बच्चों की संख्या भी ऐप पर होगी दर्ज। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के बाद MDM को पारदर्शी लाने का प्रयास किया जा रहा है। 1872 विद्यालयों में संचालित है MDM, बच्चों की संख्या दर्ज की जा रही है। इस संबंध करा है अगली खबर, ई संबंधन पोर्टल से मध्य 1/3 स्कूल जुड़े। बिहार में 10,223 निजी स्कूल सभी स्कूलों को पोर्टल पर करा रहा है पंजीयन। 750 में 133 स्कूलों ने ही पटना जिले में कराया है अपना पंजीयन। तो स्कूलों पर भी, निजी स्कूलों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग की कमेटी को सुझाव शिक्षक संगठनों के द्वारा लगातार दिया गया है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा भी सुझाव कमेटी को दिया गया है, क्या कुछ सामने निकल कर आती है वह रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। वहीं शिक्षकों की मांग को लेकर सचिव को भी पत्र लिखा गया। जिला समवर्ग के शिक्षक और BPSC शिक्षकों को लाभ देने के लिए बंशीधर ब्रजवासी ने बड़ी पहल की है। वहीं स्कूलों में शिक्षिका के किचन पकाने पर, चिकन पकाने पर क्षमा करेंगे, स्कूल में शिक्षिका के चिकन पकाने पर मांगा गया स्पष्टीकरण, वीडियो भी वायरल हुआ है। शैक्षणिक अवधि के दौरान शिक्षिका ने पकाया था चिकन। मध्यान्ह भोजन से इतर किसी प्रकार के व्यंजन को पकाना प्रतिबंधित है, यह दमदाह से निकल कर खबर आई है। वहीं BSNL 6 दिनों में 30,000 ग्राहक बढ़ा दिए गए हैं। शिक्षकों का भी झुकाव अब इस ओर होने लगा है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को निपुण भारत योजना के तहत मिलेगा खास प्रशिक्षण, यानी कि पूरे बिहार में शिक्षकों को इसको लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। दक्ष क्लास में अब 7 बच्चों पर होंगे एक शिक्षक। फिर से आपको मिशन दक्ष क्लास चलाया जा रहा है, जिस पर एक शिक्षक पर 7 बच्चे होंगे, जो 3:15 के बाद 4 बजे तक उन्हें पढ़ाना होगा, पढ़ाया जा रहा है। शिष्या के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए शिक्षक, घोड़सहन से यह खबर आई है जो काफी निंदनीय है। वहीं अगली खबर के रूप में बता दें कि शिक्षिकाओं ने विरोध में निकाला जुलूस। यह ऑनलाइन हाजिरी को लेकर दूसरे राज्य में उत्तर प्रदेश में किया गया, जो सफलता पा ली गई है। सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी को वापस लिया। इधर लगातार इस तरह की बातों से सफलता मिली है शिक्षकों को। तो वहीं सीतामढ़ी से खबर निकल कर आई है, समीक्षा में डाटा अपलोड नहीं होने पर DM ने जताई है खास नाराजगी इस शिक्षा कोष पर। और डिजिटल हाजिरी पर लटकाव की नौबत, यानी कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में ये बातें चल रही है, तो वह स्थिति लटकने वाली थी, लेकिन शिक्षक और विभाग में टकराव बने और पुनः सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। वहीं अगली खबर के रूप में हम आपको बता दें कि मध्यान्ह भोजन की ऐप पर अब हाजिरी बनेगी। विद्यालय को बच्चों की ऐप से हाजिरी बनाकर भेजनी होगी। हाजिरी में गड़बड़ी को लेकर विभाग नई पहल शुरू की है। तो अब इस तरह से भी सरकार को सही रूप से MDM बच्चों को परोसा जाए, इसके लिए पहल किया जा रहा है। कक्षा 5 तक के BEd डिग्री वाले शिक्षकों की सूची तलब की गई है। 6ठे चरण या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों का मामला सामने आया है। वहीं इस शिक्षा कोष पर MDM रिपोर्ट की एंट्री जरूरी बताई जा रही है। इस शिक्षा ऐप पर दर्ज होंगे बच्चों के भी अब नाम। लगातार पहल किए जा रहे हैं। BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 तारीख को होगी 3रे चरण की। ICT लैब में गड़बड़ी पर एजेंसी पर होगा अब केस। स्कूलों में पहुंचा कंप्यूटर लेकिन अब तक सील पैक। आज कल में जांच को आ सकती है राज्य स्तरीय टीम। डॉक्टर एस सिद्धार्थ की बड़ी पहल होने जा रही है। वहीं प्रारंभिक स्कूलों में फिर चिन्हित होंगे पढ़ाई में कमजोर बच्चे। भाषा गणित का ज्ञान बढ़ाने को नामित होंगे अब वर्ग शिक्षक।
छठे चरण के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की सूची तलब की गई है। वहीं 300 से अधिक शिक्षक जांच में गायब पाए गए हैं, यानी 300 से अधिक शिक्षक जांच में गायब। सक्षमता परीक्षा को लेकर उनके मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों में भेजी गई है सूची। स्कूल में इनकी उपस्थिति देखने को कहा गया कि वह उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पहली से पांचवीं के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सूची को तलब किया गया है, जिसके बाद काफी चर्चा का विषय बन रहा है। वहीं छठे चरण में शिक्षकों को राहत दिलाने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं शिकायतकर्ता की मौजूदगी में अब जांच होगी। मध्याह्न भोजन लगातार मिल रही शिकायतों को निष्पादन के लिए जिलों को निर्देश दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण व मेनू का पालन नहीं करने की सबसे अधिक शिकायतें मध्याह्न भोजन को लेकर मिली है, तो जो शिकायत करेंगे उनके समक्ष ही जाँच होगी। पंजीयन कार्ड में नाम की जगह अंक रहेगा तो आवेदन रद्द होगा। बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक 2025 के लिए डमी पंजीयन कार्ड जारी किया है। वहीं महिलाओं को बड़ा बीएड की पढ़ाई में रुझान, आवेदन करने व परीक्षा देने में महिलाएं आगे, रिजल्ट में पिछड़ी। तो यह बड़ी बात सामने आई है। तो वहीं कक्षा 5 तक के शिक्षकों के लिए खास नजर अब सरकार की हो गई है कि किसी प्रकार से इन्हें नौकरी बचाना है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।